मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा। आज जो मोदी गवर्नमेंट ने 21 दिन का लॉकडाउन किया है, तो कोशिश करूंगी कि इन 21 दिनों में कुछ ऐसे ऐसे टिप्स आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दूं, जिसे आप सारी उम्र सहेज के रख सकें। तो आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, उसका टॉपिक है कि हम अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स या अपनी सेविंग्स को हम कैसे मैनेज करें, कैसे शुरुआत करें। तो उसके ऊपर मेरी आज की जो ये वीडियो है ये रहेगी। आपको पसंद आए तो इसके को ज़रूर लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए। तो मेरा इसका जो मूल मंत्र आज का जो रहेगा कि बचत करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, बचत करने के बाद जो पैसे बचे वो खर्च करें, बचत करने के बाद जो पैसे बचे वो खर्च करें, ना कि खर्च करने के बाद जो पैसे बचे उनकी बचत करें। अंतर सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, पर हमारी जिंदगी में ये लाइनें बड़ा अर्थ रखती हैं। बचत करने के बाद खर्च करें, मतलब अगर आज आपको 100 रुपया इनकम आ रही है, तो हम उसमें ये ना करें कि हम 90 रुपये खर्च करने के बाद जो 10 रुपये बचते हैं उसको हम खर्च अपना बचत करें। नहीं, हमारा एक टारगेट होना चाहिए। सपोज हमें हमारी सैलरी 1,00,000 रुपये आ रही है, तो हमने ये सोचना है कि हमने ये 10,000 रुपये की तो सेविंग करनी करनी है। हमारे पास आए ही 90,000 रुपये। अब इस 90,000 में से जो हम खर्च कर सकते हैं, जैसे हम अपनी लाइफ मैनेज कर सकते हैं, वैसे हमने करनी है। हमने ये सोचना है कि जो 10,000 रुपये हमारे पास बचे वो हमने कहीं पे मिसयूज नहीं करने, वो हमारे एक आने वाले फ्यूचर की, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई और हमने कुछ सोचा है, कोई बीमारी आ गई, कुछ आ गया, तो उसमें उसके लिए हमें जो है वो सेविंग बड़ी जरूरी है। कि और हमें, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने जो है बचत करनी है, अगर हम ये सोचें कि भैया हमारे पास तो 1,00,000 रुपये आया, अब मैं दूसरे अपने मंत्र पर चलती हूँ कि खर्च करने के बाद जो पैसे बचे उनसे बचत नहीं करनी। उनसे बचत नहीं करने का मतलब क्या है कि हमारे पास 1,00,000 रुपये आया, अच्छा भैया हमने प्लानिंग तो कोई करी नहीं, देखेंगे महीने के बाद जो बचेंगे उसको सेविंग में या किसी सेविंग अकाउंट में या किसी म्यूचुअल फंड में या किसी सिप में डाल देंगे। तो अब हमारे पास आया, एक महीने 1,00,000 रुपये आया, और जो हमारा खर्चा हुआ वो खर्चा हमारा 95,000 हो गया। अब जो हमारा सेविंग का टारगेट था वो, अब जब हम वो रूल अपना रहे थे कि बचत करने के बाद पैसा खर्च करें, वहां हमारी 10,000 हो रही थी, अब और यहाँ क्या हो रहा है कि जहाँ हम खर्च करने के बाद बचत कर रहे हैं तो वो 5,000 है। वो क्यों है? क्योंकि हमने अपने खर्चों पर कोई कंट्रोल नहीं रखा, ना ही हमने सोचा और ना ही कोई हमने अपनी प्लानिंग करी फ्यूचर की, और चलते चले गए। ठीक है, जिसने जितना जहाँ जो हमारा खर्चा आया हमने उसको प्लान कर लिया, पर जब हम अपने हाथ में एक निश्चित रखेंगे राशि, धनराशि खर्च करने के लिए, तो हम उसी अमाउंट को ही अपनी जिंदगी में, एक फिक्स अमाउंट को खर्च कर पाएंगे, उसके हिसाब से हम अपने खर्चे मैनेज कर पाएंगे। और अनफोर्सीन जो कोई लाइबिलिटीज हमारे ऊपर आती हैं, या कोई हमारी बीमारी शिमारी आ गई, कोई हमारे बच्चों ने बाहर घूमने जाना है, या हमने कहीं कोई दान धर्म करना है, तो वो जो पैसे जो हमने बचत करके रखे वो हमारे टफ टाइमिंग्स के लिए रहने चाहिए, ना कि ये कि भैया जो हमारे पास आया जो खर्च कर लिया उसके बाद जो बचेंगे हम उसको हम सेव करेंगे। पहला मुद्दा तो ये था मेरा कि मैं दोबारा से वो चीज अपनी फिर बोल रही हूँ, बचत करने के बाद जो पैसे बचे उन्हें हमें खर्च करना है, खर्च करने के बाद जो पैसे बचे उनकी बचत हमें नहीं करनी है, ताकि वो हम अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करें। हाँ, अगर वो पैसों में से, वो खर्च किए हुए पैसों में से कुछ बचते हैं, तो हम उसकी प्लानिंग कर सकते हैं कि ठीक है हमने इसको बचत करना है, या हमने कुछ ऐसी अपनी जरूरतें या हमारी कोई इच्छाएं हैं हमने उनको पूरा करने में लेना, तो उसमें हम कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आजकल के टाइम में हम लोग अपने बच्चों को क्रेडिट डेबिट कार्ड पकड़ा देते हैं और उनको सेविंग की आदत नहीं पड़ती है। तो मेरे हिसाब से बच्चों को कैश जो है वो जरूर देना चाहिए, कि
ये बेटा महीने का जो भी आपकी पॉकेट मनी बनती है, 500 है, 1000 है, 2000 है, और देते हुए उसे ये जरूर कहिए कि ये तेरे को दे दिए मैंने पैसे मंथली, तेरे मुझे लगता है कि तेरे इतने खर्च होंगे, बट उस खर्चे का हिसाब भी जरूर लीजिए, और साथ में उसे ये कहिए कि हम तेरे को ये खर्चा दे रहे हैं इस पॉकेट मनी में से तेरे फ्रेंड्स के जो बर्थडे आए, तेरे पेरेंट्स के जो बर्थडे हैं, तूने किसी को सरप्राइज प्लान करके देना है, या अगर बच्चा बड़ा है जो कॉलेज जाने वाला है उसको हम 5000 दे रहे हैं, 4000 दे रहे हैं खर्चे के लिए, तो उसमें से उसको हम थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि बेटा इसमें से तूने अपनी एक कोई सिप खोल लेनी है या कुछ कर लेना है और कुछ अपने भविष्य के लिए इसमें से पैसे बचाने हैं। तो बच्चे को तभी से वो सेविंग की आदत पड़ेगी। हम पेरेंट्स आजकल क्या करते हैं, ठीक है भैया डिजिटल करेंसी दे दी, कार्ड दे दिया, उन्हें पता ही नहीं है कि हमने कितने पैसे खर्च करने हैं कितने नहीं करने, कार्ड के हिसाब से अपना जब मन किया जो मन किया वो ऑर्डर किया और मंगा लिया। क्यों? उससे क्या है, उनको जो है मनी मैनेजमेंट जो है वो जिंदगी में नहीं आ पाएगी। तो अगर हमने अपने बच्चों को मनी मैनेजमेंट सिखाना है तो उनके हाथ में खर्चा देना बड़ा जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि खर्चा देके आप उससे हिसाब भूल जाएं, या आप ये कहेंगे कि भैया कार्ड देते हैं तो कार्ड में तो हमें पता रहता है कि वो बच्चा कहाँ खर्च कर रहा है, कैश देंगे तो हम कैसे चेक रखेंगे। तो ये हमारी जो चीज़ें हैं वो पेरेंटिंग में आती है, ये इनको इस पेरेंटिंग के इस इशू को भी मैं अपनी किसी अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि उस पर भी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी तो इस वीडियो में तो मैं सिर्फ पैसे को कैसे ठीक से यूटिलाइज करें और हम अपने बच्चों को कैसे बचत की आदत डालें, मैंने उस मुद्दे पे आपसे बात करी है। इसी तरह जैसे हम अपने उस मूल मंत्र को लेके चल रहे हैं, उसी मूल मंत्र को हमें बच्चे को भी सिखाना है कि बेटा हमने तेरे को 500 रुपया दिया है जेब खर्ची का, इसमें से 100 रुपया तो साइड में रख, 400 रुपए से अपना महीने का खर्चा चला, ये 100 रुपया तेरे को कभी कोई इमरजेंसी आ गई, कभी मैं मदर घर नहीं है, कभी फादर घर नहीं है, तो वो 100 रुपए में से कभी कोई तुझे कॉपी किताब लेनी है, कोई पेन लेना है, या किसी अपने फ्रेंड को कोई गिफ्ट करना है, बट वो पेरेंट्स की नॉलेज में होना चाहिए। हाँ, अगर वो हमें समझ में आ रहा है कि हमारा बच्चा जो पैसे जो बचा रहा है वो किसी ऐसी जगह पे नहीं यूज कर रहा, तो वो चीजों को चेक रखना वो हमारे उसमें, वही फिर बात मैं वही करूंगी कि वो पेरेंटिंग वाली वीडियो में आएगा कि उस पर भी हमें कैसे चेक रखना है। तो बात वही है कि हमें बचत कैसे करनी है, कैसे खुद में वो आदत डालनी है, कैसे अपने बच्चों में वो आदत डेवलप करनी है। और कोशिश करिए जब आपका बच्चा 10 साल से बड़ा हो जाए उसको अपने साथ बैंक जरूर लेके जाइए, उसको पैसे जमा करने सिखाइए, पैसे निकलवाने सिखाइए, और साथ साथ उसको कुछ छोटी मोटी चीजें बाजार से लाने के लिए बोलिए। मत कहिए कि नहीं हमारे पास तो गाड़ियां हैं, हमारे पास ड्राइवर है, हमारे पास नौकर है, वो हमारे सारे काम कर देता है, तो हमने अपने बच्चे को क्यों उन सब चीजों के लिए भेजना। जब तक हम बच्चे को प्रैक्टिकल लाइफ की एक्सपीरियंसेस में नहीं डालेंगे तब तक हम बच्चे को ये कैसे समझा पाएंगे कि एक चीज इतने की मिल रही है, आप 1000 रुपए बाजार में लेके गए हो, उसको भी समझ में आए कि उसके पेरेंट्स जो कमा रहे हैं उसमें से कितनी कमाई में से क्या चीजें आ रही हैं, किस कॉस्ट पे आ रही हैं, और अगर उसे कभी चीजें मैनेज करनी पड़े तो वो कैसे मैनेज कर पाएगा। और दूसरी चीज कि अकेले कभी बच्चे को रहना पड़े, कभी कोई उसके पेरेंट्स बीमार हो गए, कुछ हो गए, उसे घर मैनेज करना हो, तो वो कैसे मैनेज करेगा, मनी मैनेजमेंट वो कैसे मैनेज करेगा, जो आज की डेट में बड़ी 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 बहुत बड़ी जरूरत है। आज हमने बच्चों को सोने की चमचे देके उनको ऐसा अपाहिज बना दिया कि वो अपनी जिंदगी की चीजें कई बार नहीं मैनेज कर पाते। सो मेरे अपनी जो आज की वीडियो है वो यहीं पे इसको खत्म करना चाहूंगी, बाकी जो अपने टिप्स हैं वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगी। तो फिर मेरा लास्ट में मैं अपना मूल मंत्र दोबारा से दोहराऊंगी, बचत करने के बाद जो पैसे बचे वो खर्चिए, खर्च करने के बाद जो पैसे बचे उनकी बचत मत करिए। धन्यवाद।